सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या पात्रता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, और इसके साथ उसमें यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगना है और कहाँ से आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और कितने सिलेंडर आपको फ्री मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर देना है, हाँ चैनल पर सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर प्रयास करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो की है इसको चालू, ठीक है, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर चालू किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 5 सदस्य वाले गरीब वर्ग के परिवार को फ्री में 3 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों अगर आप भी इस पात्रता में आते हैं तो दोस्तों आप जो इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आप इसका जो है लाभ ले सकते हैं, 5 सदस्य के कम होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ दोस्तों आपको चूल्हा भी मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ दोस्तों जो भी आता है वो भी आपको साथ में मिलेगा। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, पात्रता की बात करें तो दोस्तों आप महाराष्ट्र के मूल निवासी होना चाहिए, महाराष्ट्र के ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर पात्रता की बात करें तो आपके पास पहले से कोई भी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई गैस कनेक्शन है तो आप इसके लिए दोस्तों नहीं ले पाएंगे। अब इसके लिए दोस्तों ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र और पारिवारिक पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है, और गैस कनेक्शन पहले से है या उज्ज्वला योजना का खाता, ठीक है, उसके साथ उस जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा और बैंक खाता विवरण, और उसके बाद मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म। यानी कि फॉर्म को आप 2 तरीक़ों से भर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपको आवेदन करना है चलिए उसको भी बता देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि दोस्तों किसी भी राज्य से हैं दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहां से बैक आएंगे और यहां पर सर्च में जाएंगे और यहां पर आपको सर्च करना है PMUY, ठीक है, यहां पर सर्च करना है PMUY। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी राज्य से हैं दोस्तों इस योजना में आपको लाभ मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है ऑफलाइन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी वाले पर आपको क्लिक करना होगा। तो फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करवाना है और अच्छी तरीके से हिंदी में लिखा है आप भर सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मध्य नाम, फर्स्ट नाम, उसके बाद अंतिम नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और फोटो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और पूरे परिवार का जो भी लिस्ट में है मेंबर उनका नाम डालना पड़ेगा। तो फॉर्म यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से बैंक खाता नंबर, शाखा नंबर और आधार नंबर, ये सारी चीज़ें उस यहाँ पर आपको भरना है, और उसके साथ दोस्तों जितने भी आपके सदस्य उनके आधार वगैरह यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद नीचे भी आपको थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पर भी आपको भरना है। तो इतना आपको भर लेने के बाद दोस्तों आपका जहाँ कहीं नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहाँ पर ऑफलाइन तरीके से दोस्तों आप जमा कर सकते हैं फ़ोटो यहाँ पर लगा करके, ठीक है, आपको जमा कर देना है। और उसके साथ दोस्तों अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारी वीडियो ऑलरेडी है जो कि चैनल पर है, वो आप हमारे चेकआउट कर सकते हैं कैसा दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही वीडियो चाहिए ऑनलाइन आवेदन के लिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हमारी उस पर देखने को मिल जाएगी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियोस है वो आप हमारी देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो ऑफलाइन तरीका दोस्तों काफ़ी सिंपल है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये छोटी सी जानकारी, अगर आपको हमारी पसंद आई वीडियो को